हेलो मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संदीप ज्ञान में। आज हम फिर आपके लिए एक लेटेस्ट जॉब लेके आ गए हैं जो निकल रहा है कृषि विभाग से। तो कृषि विभाग में बागवानी सहायक अधिकारी की वैकेंसी आई हुई है, तो इसमें किस प्रकार आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, क्या जॉब की लोकेशन रहेगी, संपूर्ण डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दिखा देते हैं कहां से वैकेंसी आपको मिल रही है। कृषि विभाग से वैकेंसी है वो आपको मिल रही है। कहां से मिल रही है? कृषि विभाग से ये जॉब आपको मिल जाएगी, ठीक है। कृषि विभाग से आपको ये जॉब मिल जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं यहां आपको कौन सी पोस्ट मिल रही है। तो पोस्ट देख सकते हो, हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी सहायक या अधिकारी की आपको यहां पोस्ट मिल रही है। अधिकारी, ठीक है, अधिकारी या सहायक की यहाँ पोस्ट मिल रही है। असिस्टेंट की आपको यहाँ पोस्ट मिल रही है, असिस्टेंट। रोजाना सरकारी नौकरी की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको इस प्रकार का एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, उसे सब्सक्राइब करना था। साथ में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे, उस बेल आइकन को दबाना था। साथ इस वीडियो को यहाँ से लाइक जरूर करना है। एंड ऑफिसर की पोस्ट आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल जाएगी। वेतनमान की बात करें तो वेतन आपका स्टार्ट जो होगा वो होगा 31,120 रुपए से 87,130 रुपए पर मंथ आपको इसमें वेतन मिलेगा। तो वेतन भी आपको इस भर्ती प्रक्रिया में है वो अच्छा ही मिलने जा रहा है। अभी हम बात करते हैं सभी राज्यों के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको और भी अधिक जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखा देंगे। सभी राज्यों के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए 18 से लेकर 42 ईयर्स के बीच। यदि आपकी एज है तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ एससी, एसटी और ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं उनको छूट मिल जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ देख सकते हो, जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ जो आवेदन शुल्क रखा गया 250 रुपये, और एससी एसटी कैंडिडेट्स जो कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है 120 रुपये इसमें आवेदन शुल्क रखा गया है। सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन होगा इसमें आपका लिखित परीक्षा के आधार पे सिलेक्शन होगा। लिखित आपका इसमें एग्जाम होगा, ठीक है, आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद इसमें एक इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा, तो इसमें आपका इंटरव्यू भी होगा। और यहाँ देख सकते हो इसमें योग्यता क्या रखी गई है, योग्यता बी एस सी और एम एस सी पास कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बी एस सी और एम एस सी पास कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कार्यस्थल आपकी जो जॉब लोकेशन आप यहां देख सकते हो, आंध्र प्रदेश में आपको ये जॉब मिल जाएगा। अभी स्क्रीन पे आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई दे रही है, इस वेबसाइट की सहायता से आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहां वेबसाइट देख सकते हो, ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट में रिक्रूटमेंट या करियर के ऑप्शन में आपको ये डिटेल्स है वो मिल जाएगी। अब हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो मित्रों, आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है। आंध्र पब्लिक सर्विस कमीशन से ये वैकेंसी निकल रही है। तो यहाँ ये हॉर्टिकल्चर विभाग में ये वैकेंसी मिल रही है, मतलब कृषि डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये वैकेंसी मिल रही है। बागवानी ऑफिसर की वैकेंसी आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल जाएगी। यहाँ देख सकते हो डिटेल्स वाइज, यहाँ आप देख सकते हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दोबारा दिखाई गई है। और यहाँ देख सकते हो इसमें डिटेल्स वाइज पोस्ट कितनी मिल रही है, 39 पोस्ट आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल रही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हो यहाँ आप, और इसके साथ यहाँ और डिटेल्स देख सकते हो किस प्रकार आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। ये ऑफिशियल जो इसकी नोटिफिकेशन है जो विभाग ने जारी किया 27 पेज की, इस ऑफिशियल जो ये PDF है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ डिटेल्स मिल जाएगी किस प्रकार ये अप्लाई करना, हाउ टू अप्लाई। तो ये इस फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 3 जनवरी। 3 जनवरी तक आप ये फॉर्म जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट रहेगी 3 जनवरी। 14 तारीख से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया था, लास्ट डेट रहेगी 3 जनवरी तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन। कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।